इतिहासकार हैं जिन्होंने अहिंसा और गांधी के संघर्ष पर अध्ययन किया है। तो गांधी की मैं तुम्हें एक बात याद दिलाऊं, गांधी कहा था कि मैंने आज तक इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखा जिसमें कि जितनी जरूरी हिंसा रही हो उतनी ही हिंसा का इस्तेमाल किया गया। एक तो ये बात कि वो जो जरूरी बैलेंस है, जो तालमेल है हिंसा और अहिंसा का, वो तालमेल हम नहीं बना पाते और उसके बड़े गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं और दूसरे कारण भी हैं। नुआखाली से आए हैं बिहार मुसलमान के लिए और जगह जगह गांव गांव जा रहे हैं, रोज बोलते हैं और एक दिन शाम को बोलते हुए गांधी कहते हैं, हिंसा का जवाब हिंसा से देने के कारण ही तो दुनिया एटम बम तक पहुंच गई। देखो कितनी सीधी और कितनी सच्ची बात है। तो ये गांधी का जो इंटरव्यू है अमेरिकन फोटो जर्नलिस्ट गांधी से सीधा सवाल पूछती, 30 जनवरी के सुबह हो रहा है इंटरव्यू, शाम को जो होना है वो होना है, गांधी से वो दो टूक सवाल पूछती है, हाउ वुड यू मीट द एटम बॉम्ब। सवाल पर गौर करो, हाउ वुड यू मीट द एटम बॉम्ब। गांधी एक वाक्य बोलते हैं जवाब में, आई वुड मीट इट बाय प्रेयरफुल एक्शन। इंटरव्यूअर दंग है कि कह क्या रहे हैं, आई वुड मीट इट बाय प्रेयरफुल एक्शन। गांधी कहते हैं, आई विल नॉट गो अंडरग्राउंड, आई विल नॉट गो इन टू शेल्टर, सम आउट इन द ओपन and let the pilot see I have not the face of evil against him, against the pilot. एटम बम बहुत दूर की चीज है, हम तो अपने ही नागरिकों के साथ देशवासियों के साथ खड़े होने को नहीं तैयार होते तब जबकि हम जानते हैं कि वो सही है। अगर अगर वो आशा बनी ना हो तो मैं दूसरों से ये क्यों कहूं कि भाई जो धर्म संकट जो दुविधा मेरी है उस दुविधा पर भी ध्यान दीजिए, इसलिए कि समस्या सरल नहीं है, समस्या विकट है। जब तक इसकी विकटता हम नहीं भांप लेंगे समझ लेंगे तब तक कारगर हस्तक्षेप हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। कि गांधी देखने के बावजूद ये देखने के बावजूद कि उनकी अहिंसा असफल हुई, वो तो इस हद तक चले गए, उन्होंने कहा कि मेरी अहिंसा तो कभी यहां चलाई नहीं गई। तो गांधी जब पूरा सब कुछ देख चुके, पूरा उनका मोह भंग हो गया देश से, उस वक्त उन्होंने ये कहा था, दिवालिया मैं हुआ हूं, अहिंसा दिवालिया कभी नहीं हो सकती। कि इंसान को अहिंसा की कभी इतनी जरूरत नहीं थी जितनी कि आज है, और इंसान कभी अहिंसा के लिए इतना गैर तैयार नहीं था जितना कि आज। तो अगर हमें अपने को नष्ट होने से बचाना है तो ये तैयारी निहायत जरूरी है।